हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम लोग बात करेंगे परमानेंट इफेक्ट में लास्ट इफेक्ट, दैट इज हाइपर कंजुगेशन के बारे में। तो देखो, हाइपर कंजुगेशन को प्यार से लोग बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं। हाइपर कंजुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट के नाम से बुलाएंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोल सकते हैं, या फिर सिग्मा पाई इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन के चार नेम हो गए: हाइपर कंजुगेशन, बेकर नाथन इफेक्ट, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई इफेक्ट। सब एक ही बात है। ओके, ये तो हो गया किताब का ज्ञान। हाइपर कंजुगेशन को मैं प्यार से क्या बुलाता हूँ? हाइपर कंजुगेशन को मैं प्यार से बोलूंगा हाई क्रश। देखो उस सज्जन को, देखो, क्रश का नाम आते ही जाग गए। बेटा थोड़ा पढ़ लो तो लोगों के क्रश बन जाओगे, नहीं पढ़ोगे तो समझ रहे हो ना, क्रश हो जाओगे। समझ गए होगे? तो देखो देखो, ये चीज़ें जो मैं जोड़ रहा हूँ, ये प्रॉपर फीलिंग दिलाने के लिए। ओके, हवा में बातें नहीं होनी चाहिए, एकदम कंसेप्चुअल बातें हो रही है कि मैं क्यों इसको हाइपर कंजुगेशन को हाई क्रश बोल रहा हूँ, ताकि इस चैप्टर की, इस कंसेप्ट की आपको फीलिंग आ जाए। कैसे? ध्यान से देखो, क्रश का यहाँ पे रिलेट करने का मतलब क्या है कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा, या जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होंगे। ध्यान से देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड बना रखा होगा, या जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होंगे, या जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल होगा, ये क्रश वाला बंदा हो गया। ओके, कौन हो गए? क्रश वाले बंदे। और इससे जो अटैच होंगे वो उनके क्रश हो गए, राइट? तो ट्रिक का पॉइंट क्या है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज या फ्री रेडिकल होगा, वो क्रश वाला बंदा हो गया। उससे जो कार्बन अटैच होंगे वो उसकी क्रश हो गई, राइट? और उसका नाम, उस क्रश का नाम उसने प्यार से क्या रखा है? अल्फा कार्बन। क्या रखा है? अल्फा कार्बन। अब तुम ही सोचो कि जो क्रश वाला बंदा क्या चाहेगा कि जो अल्फा कार्बन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सिंगल होनी चाहिए कि नहीं? सिंगल का यहाँ पे क्या मतलब है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला पॉइंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइज, दैट मीन्स वो सिंगल होनी चाहिए। ओके, और जो क्रश की फ्रेंड है, क्रश की जो फ्रेंड है, उसका नाम उसने प्यार से क्या रखा है? अल्फा हाइड्रोजन। आप सोचो डे टू डे लाइफ में क्या होता है। जैसे ध्यान से देखो, इस कार्बन पे, ये जो कार्बन है आपका, इस पे आइदर प्लस चार्ज होगा या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये जो बंदा होगा, ये क्रश वाला बंदा हो गया। ये जो कार्बन है आपका, ये जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये उसकी क्रश हो गई। ये भी कार्बन उसका क्रश हो गया, राइट? ये कार्बन भी उसके क्रश हो गए। आप प्रैक्टिकली फील करो, राइट? अब ये क्रश हो गए तो ये बंदा क्या चाह रहा होगा कि ये पहले तो सिंगल होनी चाहिए, राइट? डेट मीन sp3, तो sp3 है, सारे सिंगल बॉन्ड है। दूसरा, ये बंदा और क्या चाह रहा होगा कि इसके ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए? फ्रेंड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपनी बात डायरेक्ट तो इसको बोलेगा नहीं, फ्रेंड के थ्रू बोलवाएगा। तो जितने ज़्यादा फ्रेंड होंगे उतना ईजिली इसका काम बनेगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि ये फ्रेंड नहीं बोली तो इसको बोलेगा, ये नहीं बोली तो इसको बोलेगा, एंड सो ऑन। गेटिंग माई पॉइंट? जस्ट फीलिंग के लिए ये, और इसका कुछ दूसरा मतलब मत निकालना। बहुत होशियार हो तुम लोग। तो बात समझ में आ गई कि ये हाइपर कंजुगेशन है क्या। दैट मीन्स हाइपर कंजुगेशन कहाँ कहाँ होगा? एल्कीन में होगा, जहाँ डबल बॉन्ड होंगे जिस कारण पे, कार्बोकैटायन में होगा, एंड फ्री रेडिकल। बस यही तीन जगह पे होंगे। जिस कार्बन पे ये होंगे वो क्रश वाला बंदा हो गया। उससे जो कार्बन अटैच होगा वो उसकी क्रश हो गई। उसका नाम उसने प्यार से रख दिया है अल्फा कार्बन, और वो सिंगल होनी चाहिए, राइट? सिंपल सी बात है, डेट मीन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और उसके पास जो हाइड्रोजन है, जो उसकी फ्रेंड है, क्रश की फ्रेंड, उसका नाम उसने प्यार से रखा अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा, डैट मीन्स क्रश के जितना ज़्यादा फ्रेंड होंगे, स्टेबिलिटी, डैट मीन्स इस बंदे का काम उतना ईजी बनेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो डैट मीन्स नंबर ऑफ अल्फा हेच, अगर कहीं पे नंबर ऑफ अल्फा हेच अगर इंक्रीज हो रहा है, तो वी कैन से स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? सिमिलरली यहाँ पे आप ध्यान से देखो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, तो ये क्रश वाला बंदा हो गया, राइट? ये वो कार्बन है जो इससे अटैच है, ये क्रश हो गई और ये उसके क्रश के फ्रेंड हो गए, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं काउंट करूँ इस वाले केस में, तो ध्यान से देखो, ये भी क्रश, जो कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या एल्कीन से डायरेक्ट कार्बन अटैच होंगे वो सब क्रश हो जाएंगे। तो ये भी क्रश हैं, ये भी डायरेक्ट अटैच हैं, क्योंकि डायरेक्ट बॉन्डिंग से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तीन क्रश हैं, और तीन क्रश के तीन तीन फ्रेंड है, तो टोटल कितने अल्फा हेच हो गए यहाँ पे? 9 अल्फा हेच।
सिमिलरली इस केस में देखें तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन, ये क्रश वाला बंधा और ये सब डायरेक्ट कनेक्टेड है, राइट। तो ये सब इनकी क्रश हो गई, चार क्रश और हर क्रश के पास तीन तीन फ्रेंड। तो यहाँ पे कितने अल्फा हैच हैं, यहाँ पे आपके पास 12 अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली बेंजीन के केस में भी हो सकता है, सेम यही प्रोसीजर, ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो गया, राइट। अगर ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये वो क्रश वाला बंधा हो गया, इससे जो डायरेक्ट कनेक्टेड हैं ये क्या हो गया आपका अल्फा कार्बन, वो क्रश हो गए, उसके पास तीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे अल्फा हेच कितने हो जाएंगे, तीन। ध्यान दे कि इधर ये भी कार्बन अटैच थे, क्रश वाले बंधे से ये कार्बन, या फिर ये क्रश वाले बंधे से ये भी कार्बन, तो ये क्रश नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बोलो, क्योंकि ये सिंगल नहीं है, राइट, समझ रहे हो बात को, क्योंकि sp3 हाइड्रोजन हो चाहिए। तो आई होप प्रॉपर फील आ गया होगा। नाउ अब हम बात करते हैं इसके अप्लीकेशन की। चलिए अब हम बात करते हैं अप्लीकेशन की। तो यहाँ पे मैंने तीन प्रॉब्लम लिया है, ध्यान से देखो, इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, राइट, यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, राइट। तो ये क्या हो गया, क्रश वाले बंधे हो गए, राइट। तो क्रश वाले बंधे से एक ही कार्बन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे दो दो कार्बन अटैच हैं, ये दो दो क्रश हैं यहाँ पे इसके पास, और इसके पास तीन तीन क्रश हैं, राइट। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन sp3 हाइड्रोजन है, तीन अल्फा हेच है, यहाँ पे तीन और तीन छः अल्फा हेच है, यहाँ पे तीन तीन छः और तीन नाइन अल्फा हेच है। तो अभी बताया, जितना ज़्यादा अल्फा हेच, जितना ज़्यादा जो क्रश के फ्रेंड होंगे उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, राइट। तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर पूछेगा तो सबसे ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1। ये किसका ऑर्डर हमने निकाला, स्टेबिलिटी का, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। सिमिलरली अगर मैं प्लस की जगह फ्री रेडिकल कर देता, अगर राइट प्लस की जगह फ्री रेडिकल कर देता, तो उसका भी क्या आता, सेम ऑर्डर होता। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करना या फ्री रेडिकल का वाया हाइपर कंजुगेशन, तो आपको देखना कितना ज़्यादा अल्फा हेच है, जितना ज़्यादा अल्फा हेच उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। दूसरा जो प्रॉब्लम हमने लिया है वो एल्कीन की स्टेबिलिटी पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्या कि एल्कीन की स्टेबिलिटी बताओ, कौन एल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो सिमिलरली ये तो जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये तो क्रश वाले बंद हो गए, राइट, और इससे कोई कार्बन नहीं है, डेट मीन्स इसका कोई क्रश नहीं है, ये मोवाया से दूर है। अब यहाँ पे देखो, ये क्रश वाले बंद हो गए, इससे ये कार्बन अटैच है और सिंगल है, तो ये क्रश हो गई उसकी, राइट, तीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे तीन अल्फा हेच है। सिमिलरली ये क्रश वाले बंद हो गए डबल बॉन्डेड कार्बन, इससे इधर भी इसके कनेक्टेड है, सिंगल है, ये भी उसकी क्रश है और ये भी उसकी क्रश है, तीन तीन छः अल्फा हाइड्रोजन। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एल्कीन की स्टेबिलिटी। इसलिए इस केस में भी ऑर्डर क्या होगा, थर्ड सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा एल्कीन स्टेबल होगा। अगर कहीं पर अल्फा हेच सेम हो जाता है तो फिर आप कैसे चेक करेंगे एल्कीन की स्टेबिलिटी, सिस ट्रांस से। ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट है। सिमिलरली एक और प्रॉब्लम लिया हमने बेंजीन के केस में भी, और यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखना कि यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इससे ये कार्बन अटैच है, ये अल्फा कार्बन हो गई, क्रश हो गई, क्यों, क्योंकि सिंगल है, sp3 हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे तीन अल्फा हेच हुए। ध्यान दें यहाँ पे भी ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये क्रश हुई, क्योंकि उसके बाद ये दूसरे कनेक्टेड है, राइट, तो ये नहीं है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे, जो डायरेक्ट कनेक्टेड होंगे वो क्रश होंगे, राइट, और यहाँ पे दो ही हाइड्रोजन इसके पास, दो ही फ्रेंड है, तो यहाँ पे दो अल्फा हाइड्रोजन है। सिमिलरली ये वाले हो गए, राइट, लेकिन इसके पास एक ही है, ये सबसे मतलब नहीं है, राइट, क्रश जो है उस पर कितना हाइड्रोजन है, तो एक ही है इनके पास, और यहाँ पे कोई भी नहीं है, जीरो अल्फा हेच है। इसलिए इस केस में अगर बात किया जाए कि इसमें क्या पूछा जा सकता है कि किसमें बेंजीन में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा 1 में होगा, फिर आपका 2 में होगा, फिर 3 में होगा, फिर 4 में होगा। तो ये जो हमने बात किया, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर, किसकी स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन की या फ्री रेडिकल की, ये जो हमने बात किया है, ये वाले क्या है, एल्कीन की स्टेबिलिटी, राइट, एल्कीन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर, और ये जो हमने बात किया है वो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर होंगे कैसे हमें अप्लाई करना है। चलिए अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैसे हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। तो वेरी सिंपल, जिस कार्बन पे प्लस है, राइट,
ये आपका हो गया क्रश वाला बंधा, इसके बगल में जो कार्बन है वो उसकी क्रश हो गई और सिंगल बॉन्डेड है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा। तो करना क्या आपको, ये मैं किसी एक को करके बता रहा हूँ, डबल हेडेड एरो से दिखाना है और ये वाला जो बॉन्ड है इसको गायब कर देना है। तो देखो इसको ब्रेक कर देंगे तो क्या होगा, बाकी चीज़ जैसे वैसे रहने दो, इधर कैसे रहने दिया इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया राइट। उसके बाद ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक होकर के यहाँ पे क्या जाएगा, एक और बॉन्ड और CH2, उसके साथ क्या हुआ, तो वो जो फ्रेंड थी वो अब हवा में लटक गई राइट, मतलब एच पे प्लस आकर के ऐसे। तो इसलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं दिख रहा है फिर भी एच प्लस वहाँ पे है राइट। तो नो बॉन्ड रेजोनेंस, बेकर नाथन इफेक्ट, ये साइंटिस्ट के नेम है जिन्होंने ये बताया था। तो आपको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा तो ऐसा करना है। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, ये जो प्लस चार्ज है वो एक बार एच इस एच को मिल रहा है, एक बार इस एच को, इस एक बार इस एच को। तो वही चीज़ मैंने बताया था कि ये बर्डन था राइट, तो जितने लोग इसको शेयर करेंगे, जितने लोगों में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, वही पॉइंट तो यहाँ पे लग रहा है सिंपल। दूसरा पॉइंट डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पे गलती होने के चांसेज है, लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन, इसकी क्रश हो गई तो यहाँ पे चार अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे दो हैच होंगे, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है राइट, ये सब लोग जानते हैं, यहाँ चार अल्फा एच हो गए। इस केस में अगर देखेंगे तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो ये क्रश हो गई, ये भी हो गई राइट, यहाँ पे तीन अल्फा एच होंगे, क्यों, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बनाया था तो तीन एच, और यहाँ पे दो एच, तो यहाँ पे कितने हो गए टोटल, फाइव अल्फा एच, यहाँ पे फाइव है और यहाँ पे कितने हैं, फोर है। तो अब लोगों को क्या लगेगा कि ये ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि सर ने बताया था जितना ज़्यादा अल्फा हैच उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी है। बट यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना और समझना है कि हो क्या रहा है। देखो ध्यान से देखो, तो यहाँ पे रिंग में डबल बॉन्ड आने की वजह से एंगल कितना है 60 डिग्री, जबकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कितना एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, एंगल कितना मिल रहा है 60 डिग्री, और यहाँ पे दो दो कार्बन ऐसे हैं जो अफेक्ट हो रहे हैं इससे, इस प्रॉब्लम को दो दो कारण फील कर रहे हैं कि एंगल 120 होना चाहिए था लेकिन मिला कितना 60, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन इस चीज़ को फील कर रहा है, ये दो कार्बन रिंग का एज यूजल है sp3 में है जो 109 चाहिए, तो 120 से तो कम है। तो एंगल स्ट्रेन होने की वजह से भले ही यहाँ पे अल्फा है ज़्यादा है बट स्टेबल कौन ज़्यादा होगा वो, तो ये एक एक्सेप्शन इस टाइप के ध्यान रखना है कि रिंग के केस में ही मैनली लगेगा ये, कि अगर ऐसा चीज़ आ रहा है तो देखना है कि कितने लोग इससे अफेक्ट हो रहे हैं, कितने कार्बन एंगल स्ट्रेन फील कर रहा है। ओके, तीसरा पॉइंट डेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन को घुमा करके कैसे पूछा जाता है कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर बताओ, एल्कीन की स्टेबिलिटी ना पूछ करके हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछ देगा। तो इसको उसी से मैंने कनेक्ट कर दिया कि कभी भी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछे तो आप स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन निकाल लो और उसका क्या कर दोगे, उस ऑर्डर का उल्टा कर दोगे, तो आपको हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आएगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या है कि मैंने ये एक एग्जांपल लिया कि इस कंपाउंड की रिएक्शन आपने किससे करा दिया, H2 से, तो ये पाई बॉन्ड जो है ये ब्रेक होकर के क्या आ जाएंगे, H आ जाएंगे। वैसे ही इस कंपाउंड की भी रिएक्शन आपने किससे करा दिया, H2 से राइट, तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके क्या आ जाएंगे, HH आ जाएंगे, मतलब एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों ही केस में आप देख सकते हो कि ये दोनों ही केस में आपका जो प्रोडक्ट है वो सेम है, डेट इज ब्यूटेन राइट। तो इसलिए प्रोडक्ट यहाँ पे जो हमने बनाया है, ये मान लो मेरा प्रोडक्ट है तो ये सेम है दोनों ही केस में, बट दोनों की स्टेबिलिटी क्या है, अलग अलग है राइट। दोनों की स्टेबिलिटी कैसे अलग है, तो यहाँ पे आपके पास कितना अल्फा हाइड्रोजन है ध्यान से देखो, तो ये डबल बॉन्डेड वाला कार्बन क्रश वाला बंधा, तो यहाँ पे दो ही अल्फा हैच हैं, जबकि यहाँ पे ध्यान से देखो तो 6 अल्फा हैच हैं, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अगर कोई चीज़ ज़्यादा स्टेबल है तो उसकी एनर्जी, उसका स्ट्रेस क्या हो जाएगा, कम, तो दो का ही पोजिशन कहाँ पर बनाएंगे, कम, क्योंकि इधर एनर्जी लिया वाई एक्सिस पे हमने, तो दो आपका क्या रहेगा, ओरिजिन से कम डिस्टेंस पर रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, और वन वाला कम स्टेबल है, एनर्जी ज़्यादा, तो इसलिए उसको ऊपर बनाया। और ऑलवेज जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो एनर्जी गैप है वो, तो इसीलिए आप देख सकते हो कि एनर्जी गैप किसका कम हो रहा है, ये जो टू वाला है राइट, क्योंकि ये बस इतना ही गैप है, जबकि वन वाले में ये गैप है
तो इसीलिए क्या हो गया, स्टेबिलिटी का उल्टा हो गया। तो कभी भी आपको हीट ऑफ हाइड्रोजन पूछे तो आप क्या कर देंगे, एल्केन की स्टेबिलिटी निकाल करके उसका उल्टा ऑर्डर कर देंगे। और प्रॉपर फीलिंग दिलाने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ से जितना कम पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, और वो उतना नीचे होगा इसलिए ये गैप उतना कम होगा। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा हो गया तो ये जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, ये जो गैप है डेट इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, वो क्या हो गया, कम हो गया, तो इसलिए इन्वर्सली चलेंगे। तो इस पे बेस आपको यही सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी अल्फा हेस से जाएंगे, फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अल्फा हेस से जाएंगे, एल्कीन की स्टेबिलिटी अल्फा हेस से जाएंगे, और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो भी अल्फा हेस से जाएंगे लेकिन उल्टा करेंगे उस केस में, राइट। जितना कम अल्फा हेस होगा इसका मतलब उतना ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा, ओके। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में तीनों का कंबाइंड इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन एंड रेजोनेंस, इन तीनों के कंबाइंड इफेक्ट को कैसे ट्रिक से हम यूज़ करेंगे और उसके लिए प्रॉब्लम कैसे हम करेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।